गाइस, संभोग शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी देर तक वजाइना में लिंग डालकर लगातार इंटरकोर्स करते रहें। ऐसा तो पीनिस को सुन्न करने वाली कोई भी अंग्रेजी दवा लिंग पर लगाकर किया जा सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेल सेक्सुअल हेल्थ को इन्हांस करने वाली टैबलेट्स कॉन्फिडो के बारे में। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड नाउ, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हिमालय कॉन्फिडो इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर ऐसी मेडिसिन है जो पुरुष अपनी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कभी ना कभी ट्राई ज़रूर करते हैं। हालांकि उनको ठीक से ये भी नहीं पता होता कि कॉन्फिडो एक्चुअल में एक संभोग शक्ति बढ़ाने वाली मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये खास तौर से संभोग के समय घबराहट की वजह से वीर्य जल्दी निकल जाने को रोकने के लिए बनाई गई है। कॉन्फिडो का कंपोजिशन संक्षिप्त सा है और इसमें गिनती की जड़ी बूटियां डाली गई हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमालय वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जो अपने सभी प्रोडक्ट्स रिसर्च के बाद ही मार्केट में उतारता है, और यही वजह है कि इस कंपनी ने आयुर्वेद की दुनिया में अपनी अलग ही जगह बनाई हुई है। यहाँ इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो पुरुषों में संभोग शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और साथ ही साथ शीघ्र पतन में भी काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो एक सवाल है कि संभोग शक्ति से यहाँ क्या मतलब है? गाइस, संभोग शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी देर तक वजाइना में लिंग डालकर लगातार इंटरकोर्स करते रहें। ऐसा तो पीनिस को सुन्न करने वाली कोई भी अंग्रेजी दवा लिंग पर लगाकर किया जा सकता है। संभोग शक्ति में जो चीज़ें वास्तव में मायने रखती हैं वो है आप एक रात में कितनी बार वीर्य निकाल सकते हैं। एक हेल्दी पुरुष जिसकी एज 18 से 45 साल के बीच होती है, उसको सामान्यतः 4 से 5 बार एक रात में सीमेन निकालने में सक्षम होना चाहिए। सावधान, कहीं आप नकली आयुर्वेदिक दवाएं तो नहीं खरीद रहे हैं? इसीलिए अब डॉक्टर शमून द्वारा संचालित आपकी अपनी हर्बल शॉप, जहां अलग अलग ब्रांड्स की ऑथेंटिक दवाएं उपलब्ध हैं, आज ही विजिट करें prevellnessmantra.com या herbal10.com पर। अगर एक या दो बार वीर्य निकालने के बाद इंटरकोर्स की इच्छा नहीं रहती है तो आपके शरीर में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ठीक से नहीं हो रहा है। संभोग के समय आपका पीनिस कितना कठोर रहता है और उसमें तनाव की गुणवत्ता कितनी होती है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इंटरकोर्स के टाइम लिंग में अगर ढीलापन रहता है तो इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। एक स्वस्थ पुरुष के लिंग में उत्तेजना के टाइम भरपूर तनाव रहता है और पीनिस किसी भी टाइम जब तक वीर्य स्खलित नहीं हो जाता है ढीला नहीं पड़ता है। आप कितनी देर तक बिना रुके इंटरकोर्स कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। गाइस, एक स्वस्थ पुरुष को लगभग 5 से 10 मिनट तक बिना रुके इंटरकोर्स करने में सक्षम होना चाहिए। इन तीनों में से अगर एक भी क्वालिटी में कमी रह जाती है तो संभोग क्रिया का आनंद कम हो सकता है। अब डॉक्टर शमून द्वारा संचालित आपकी अपनी हर्बल शॉप, जहाँ अलग अलग ब्रांड्स की ऑथेंटिक दवाएं उपलब्ध हैं, आज ही विजिट करें prevellnessmantra.com या herbal10.com पर। आयुर्वेदिक दवाएं, उचित खान पान, उचित दिनचर्या, एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद लेने पर कम हो गई संभोग शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए फिर जानते हैं कॉन्फिडो के कुछ अल्टरनेटिव हर्बल दवाओं के बारे में जो संभोग शक्ति को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। चलिए फिर सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन ऑर्गेनिक्स टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैप्सूल्स के बारे में। हिमालयन ऑर्गेनिक्स और हिमालय वेलनेस दोनों अलग अलग कंपनियाँ हैं, तो नामों में आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। हिमालयन ऑर्गेनिक्स एक अच्छी गुणवत्ता के स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स की इंटरनेट पर काफ़ी सराहना भी हो रही है। अमेजॉन इंडिया पर भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छी रेटिंग हासिल की हुई है। इस कंपनी ने टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैप्सूल्स बनाने के लिए विदेशी जड़ी बूटियों जैसे मैका रूट और टोंकेटेली आदि का इस्तेमाल किया है। आप लोगों में से कई ने शायद इन हर्ब्स का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये हर्ब्स संभोग शक्ति बढ़ाने में गजब के सरदार हैं। इसके अलावा इसमें अजवाइन की पत्तियों, जायफल और कुछ दूसरी हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो काम उत्तेजना बढ़ाने में मददगार पाई गई हैं। चलिए अब बात करते हैं डाबर स्टिमुलेक्स कैप्सूल्स के बारे में। डाबर इंडिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों में से एक है और इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी विश्वसनीय माने जाते हैं। डाबर स्टिमुलेक्स कैप्सूल देसी जड़ी बूटियों और शिलाजीत जैसे शक्तिशाली रसायन से बना एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है जो पुरुषों में संभोग शक्ति बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें फ्रेंड्स सफ़ेद म्यूसली, जाफरान, शतावरी, अश्वगंधा, कौश बीज, गोखरू आदि वाजिकर औषधियों का प्रयोग किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, डाबर स्टिमुलेक्स कैप्सूल्स का यूज़ करते टाइम एक बात का खास ख्याल रखें, इसमें नक्स वोमिका का यूज़ किया गया है और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार इसके घातक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो
मैं तो यही आपको सलाह दूंगी कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप डाबर स्टिमुलेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, खासतौर से अगर आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है तो चिकित्सक की देखरेख में ही इस दवा का यूज़ आप करें। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स बैद्यनाथ पुष्प धनवा रस के बारे में। पुष्प धनवा रस आयुर्वेद का एक प्राचीन योग है जो ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जो अलग अलग तरह से पौरुष दुर्बलता को दूर करती है और पुरुष की काम शक्ति को बढ़ाती है। इस औषधि में सफ़ेद म्यूसली, शिलाजीत, गोखरू, जायफल, अकरकरा, सौंठ, छोटी इलायची, अश्वगंधा, लौंग और शुद्ध विषामुष्टि का अर्थात नक्स वोमिका का इस्तेमाल किया गया है। अब डॉक्टर शमून द्वारा संचालित आपकी अपनी हर्बल शॉप जहां अलग अलग ब्रांड्स की ऑथेंटिक दवाएं उपलब्ध हैं, आज ही विजिट करें prevellnessmantra.com या herbal10.com पर। अब चूंकि इस औषधि में भी नक्स वोमिका का इस्तेमाल किया गया है तो इसको भी बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं लें। बैद्यनाथ ही नहीं, आप किसी दूसरी अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी का बनाया गया पुष्प धनवा रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे धूत पापेश्वर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ उंझा एमिबिटा कैप्सूल के बारे में। उंझा गाइस भारत की एक नामी और पुरानी आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी है और एमिबिटा कैप्सूल इसका एक प्रोप्रिएटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो विभिन्न आयुर्वेदिक शास्त्रीय योगों से प्रेरित हो सकता है। उंझा एमिबिटा कैप्सूल का कंपोजिशन काफ़ी दमदार दिखाई देता है और इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, गोखरू, विदारी कंद, जावित्री, कौच बीज, केसर, गिलोय के साथ साथ विभिन्न आयुर्वेदिक भस्मों जैसे लौह भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, बंग भस्म आदि का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें पूर्ण चंद्रोदय रस का भी यूज किया गया है। इस तरह साफ दिखाई देता है कि उंझा एमिबिटा कैप्सूल एक शक्तिशाली संभोग शक्ति बढ़ाने वाली दवा साबित हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ चूँकि इसमें विभिन्न भस्मों का यूज़ किया गया है जो धातुओं के यौगिकों से बनाई जाती हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ दूसरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जिन पर गौर कर सकते हैं, जैसे कि जंडू विगोरिक्स गोल्ड कैप्सूल, डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल, बैद्यनाथ वीटाएक्स गोल्ड कैप्सूल, जापानी एम कैप्सूल। सो माय डियर फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी और अगर सच में अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर बहुत जल्दी वापस आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।